नंबर तीन पर उतरने से पहले सूर्य कुमार यादव ने की रोहित शर्मा से लड़ाई। फिर मैदान पर उतरते ही बल्ले से सूर्य ने मचा दिया कोहराम, ठोक डाला शतक। मैच के बाद खुद कप्तान रोहित शर्मा ने किया खुलासा, बताई पूरी कहानी। आईपीएल 2023 का 57वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात के बीच खेला गया। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में था। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 219 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सामने रखा। इस जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा खुश नजर आए। मुंबई की गेंदबाजी लाइनअप के राशिद खान ने भी जमकर सुताई की। उन्होंने जीत के बाद सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मैच में सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और रोहित शर्मा ने पारी की शानदार शुरुआत की थी। हालांकि विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखना चाहते थे, लेकिन सूर्य ने कहा कि वो नंबर तीन पर जाना चाहते हैं। इसी पर उन्होंने जीत के बाद कहा, ये एक दिलचस्प खेल था, विशेष रूप से हमारे दृष्टिकोण से 2 अंक प्राप्त करके खुशी हुई। ये सुखद था, पहले बल्लेबाजी करो और फिर बाहर आओ और टीम का बचाव करो, हम विकेट लेते रहे और इस प्रारूप में आपको वह करना होगा। हमारे गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, सूर्य में आत्मविश्वास आ गया है। हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहते थे, लेकिन स्काई आया और कहा नहीं, वह मैदान पर जाना चाहता है। इस मैच में मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। हालांकि राशिद खान ने कुछ हद तक मुंबई के बल्लेबाजों की कुटाई की। जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा सूर्य की जबरदस्त पारी से काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने जीत के बाद कहा, इस तरह का आत्मविश्वास उसके पास है और यह दूसरों पर असर डालता है। वह हर खेल में नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है और पिछले खेल में पीछे मुड़कर नहीं देखता। कभी कभी आप आराम से बैठकर गर्व महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल के इतिहास में अपना पहला शतक जमाया है। उन्होंने 49 गेंदों का सामना करते हुए 103 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली। धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2023 के मुकाबले में रिकॉर्ड 5वीं बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने 27 रनों से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई ने सूर्य कुमार यादव के नाबाद 103 रनों की बेहतरीन शतक की बदौलत 5 विकेट खोकर 218 रन को बड़ा स्कोर बनाया। गुजरात की टीम के राशिद खान की नाबाद 79 रनों की बेहतरीन पारी के बावजूद 8 विकेट पर 191 रन ही बना सकी और मुंबई इस मैच को 27 रनों से जीत गई। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।